Today my content is about Indian Geet Sangeet, different singers which are very famous to us, Nets and New Worlds. दोस्तों आप सबका स्वागत है और हम singers Indians की जो हम आज चर्चा करेंगे जिसमें जो आप जानते हैं दोस्तों के एल सेगल जो 1938 में उनका एक गीत जो हमने गा के सुनाया है, ये गीत उनका चैट GPT पे हमने रिसर्च किया है और उसको जो है जाना है और ये जो है बहुत ही सफलता रहे और ये उस पर नंबर वन रहे और इसको ज़्यादा इस सिंगर को सुना जाता है। और इसके अलावा जो 50 में अगर हम जाए 1950 में देर इज़ डिफरेंट सॉन्ग्स जो आप सुन सकते हैं जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के भी गीत संगीत हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो है एक फिल्म के अंदर गीत गाया जो 1948 की फिल्म है, 1948 में एक फिल्म है जिसका नाम मेला है, उसकी शायरी जो थी वो शकील बदायूनी ने लिखी थी। दोस्तों शकील की आप और वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों ये गीत कौन सा था, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दोस्तों ये जो गीत शकील ने लिखा, ये गीत ज़्यादा जो है नेट पे सुना जाने वाला है और चैट GPT पे जो है इसकी हमने रिसर्च की है कि 50 की दिहाई में अगर आप चले जाएं तो ये सबसे ज़्यादा ऊपर सफलता पे रहे। और उसके अलावा एक और फिल्म जो 1960 की जब हमने रिसर्च की जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत है जिसको शकील बदायूनी ने लिखा, दिस द ग्रेट फेमस पोइट्स ऑफ इंडियंस, जिसकी शायरी कि जो वो जो चौधरी का चांद फिल्म है और उसमें जो गीत रहा जो चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। दिस वॉज द फेमस सॉन्ग्स ऑन दोज टाइम। बट दोस्तों हम जब 70 की दिहाई की जो हम बात करते हैं और जिसमें सुपर हिट सॉन्ग्स रहे, 70 में तो रोमांटिकल सॉन्ग्स दौर चल रहा था, लेकिन जिसमें को किशोरदा जो है 70 में उसकी एक फिल्म 1969 में जो है उसका उसकी फिल्म थी आराधना फिल्म्स में जिसमें उसका गीत रहा राजेश खन्ना फर्स्ट सुपर स्टार्स विद सॉन्ग, रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। दोस्तों दिस वॉज वेरी फेमस सॉन्ग्स, चैट GPT एंड अदर्स गेव टू इन्फॉर्मेशन। 1980 में जो 1980 की एक फिल्म है जिसने किशोरदा का सॉन्ग्स रहा और किशोरदा का सॉन्ग्स वो बहुत ही ज़्यादा उसका सुनने वाला सॉन्ग था जिसमें आपकी कसम फिल्म है 74 का, जिंदगी के सफर में मिल जाते हैं जो मकाम वो नहीं आते दोबारा। तो ये गीत उनका रहा जिसमें राजेश खन्ना सुपरस्टार्स और दिस वाज वेरी सैड एंड सोरो सॉन्ग्स। दोस्तों अब 90 के दौर में जो सुपर हिट रोमांटिकल सॉन्ग कुमार सानू का रहा जिसमें एक फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया जिसमें वो 95 की फिल्म का गीत है जिसका कुमार सानू को जो ज़्यादा सुनने वाला चैट GPT पे जो गीत है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। दोस्तों उसके अलावा 2000 का दौर रहा जिसमें 2000 निगम का दौर रहा जिसमें चैट GPT में जो सुनने वाला 2003 का गाना जो पल पल जो गीत रहा जिसमें कल हो न हो, जो कल हो न हो फिल्म का जो गीत है वो जो है सुपर हिट रहा जिसमें दोस्तों 2013 की हम अगर बात करते हैं जिसमें आशिकी 2 फिल्म्स जो बनी थी उसमें जो अरिजीत सिंह की आवाज़ है जिसमें मेरा चैन भी मेरी आशिकी। दोस्तों ये गीत जो ज़्यादा
सफलता रहा ये गीत। लेकिन दोस्तों इसमें हमने जो इसकी इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें जो इस रिसर्च में हमने इसको जो हमने निकाला तो इसका रिजल्ट्स में जो है ज़्यादा सुनने वाले जो है वो 1970-80 तक जो गीत से गीत रहे जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम ज़्यादा ऊपर हायर लिस्ट और किशोरदा और मुकेश के जो गीत थे जो ये ज़्यादा जो है एक दूसरे से ज़्यादा बाजी लेते हैं जो अपने अपने दौर के जो है जो हाई पिच सॉन्ग्स रहे जिसमें मॉड्यूलेशंस के दौर में हाई मॉडर्न दीज सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी साहब द क्लासिकल सिंगर्स एंड किशोरदा इज़ द मल्टी टैलेंटेड सिंगर्स एंड मुकेश वॉइस इज द साउंड रिकॉर्डेड। दोस्तों ये गीत संगीत में जो है GDP पे जो मॉडर्न दौर में जो है इनकी गीत संगीत जो है ये ज़्यादा क्योंकि पोएट्री भी इसमें पायदार है। तो आज के चैनल के लिए हम आपको यही जो मालूमात देनी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।